हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर के एंशियंट हिस्ट्री के टॉप 60 क्वेश्चन, जो कि रिपीटेड हर ईयर आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैक्सिमम टाइम्स ही आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको दिखाने भी वाला हूं कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में कब कहां पर पूछा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वेलेबल तो सब्सक्राइब करना, अदरवाइज मत करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने आज की वीडियो। अगर आपको लगे ये वैल्यूएबल है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर कर देना। पहला क्वेश्चन के सामने ये दिख रहा है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया हुआ था। आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, 2018-19 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका बोधगया में, सेकंड ऑप्शन है सारनाथ में, थर्ड ऑप्शन है आपका कुशीनगर में, एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका श्रावस्ती में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सेकंड, सारनाथ में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर का क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहां पर है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका लुम्बनी, सेकंड है सारनाथ, थर्ड है आपका बोधगया, एंड फोर्थ है आपका कुशीनगर। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लुम्बनी। अगला क्वेश्चन है आपका महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था। आपके ऑप्शन है सिद्धार्थ, आदित्यनाथ, वर्धमान या फिर नेमीनाथ। तो महावीर स्वामी का जो रियल नेम था वो था नेमीनाथ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा व्याकरण ग्रंथ नहीं है। आपके ऑप्शन है महाभारत, भाष्य, अष्टाध्यायी, चंद्र व्याकरण या फिर इंडिका। तो इन चारों में से जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंडिका, ये व्याकरण ग्रंथ नहीं है। अगला क्वेश्चन है फिफ्थ नंबर का, राजा सुदास जिसके विषय में ऋग्वेद में वर्णन किया गया है उसमें 10 राजाओं को पराजित किया, किस जन से वो संबंधित रखता था। आपके ऑप्शन से अनु, त्रिशु, द्रुहु, यदु। तो वो कौन से जन से संबंधित था, तो वो संबंधित था दोस्त त्रिशु जन से। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 10 राग युद्ध किन दो जनों के बीच में हुआ था। आपके ऑप्शन से पुरु और भरत के बीच में, पुरु और यदु के बीच में, अनु और द्रुहु के बीच में, या त्रिशसु और अनु के बीच में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पुरु और भरत के बीच में 10 यज्ञ युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेवंथ नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका भरत जन जिसके पुरोहित वशिष्ठ थे उसका नेता कौन था। आपके ऑप्शन है सुदास, भरत, विश्वमित्र या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन नंबर ए, सुदास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका सुदास यानी कि भरत जन के विरुद्ध 10 राजाओं का संघ था जिसके पुरोहित कौन थे। आपके ऑप्शन से वशिष्ठ, वेदव्यास, विश्वामित्र, लोमहर्ष। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इन चारों में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वशिष्ठ। अगला क्वेश्चन है आपका 9th नंबर का क्वेश्चन, सुदास और 10 राजाओं के संघ युद्ध किस नदी पर हुआ था। आपके ऑप्शन है राबी, झेलम, गंगा या सिंधु। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राबी नदी के किनारे पर हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 10th नंबर का क्वेश्चन कह रहा है आपका त्रिपिटक किससे संबंधित है। त्रिपिटक किससे संबंधित है, आपके ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म या फिर शैव धर्म। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है ये आपसे क्वेश्चन, 2017-18-19 में इतनी यूनिवर्सिटीज में पूछा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म। अगला क्वेश्चन है आपका 11th नंबर का क्वेश्चन, संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं त्रिपिटक के किस भाग में लिखा गया है। आपके ऑप्शन है विनय पिटक, सुंद पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विनय पिटक। अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर का क्वेश्चन, धार्मिक सिद्धांतों की विवेचना किस पिटक में किया गया है। आपके ऑप्शन है सुंद पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या सभी में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सुंद पिटक में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 13 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है 13 नंबर का क्वेश्चन कि निम्न में से किस पिटक में सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। आपके ऑप्शन है संतु पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर सभी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, अभिधम्म पिटक में सबसे पहले संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का क्वेश्चन, बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती हैं हमें। आपके ऑप्शन है दीपवंश, मिलिंदपा, महावंश या जातक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जातक। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर का क्वेश्चन, मिलिंद पंधो किसकी रचना है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका भद्रबाहु, चतुरसेन, नागसेन या फिर अश्वघोष। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, नागसेन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का क्वेश्चन, हिंदू यवन शासक मेनेकर के विषय में सूचना किस बौद्ध ग्रंथ में मिलती है। आपके ऑप्शन है मिलिंद पंध में या फिर ललित विस्तर में, दिव्यावगान में या फिर कथा वस्तु में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिलिंद पंध में। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है आपका किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध को देवता मानकर उनका चमत्कारिक वर्णन प्रस्तुत किया गया है। आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका दिव्यावदान में, कथा वस्तु में, ललित विस्तार में या फिर जातक में। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ललित विस्तार में।
अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का क्वेश्चन, आगम सिद्धांत किस साहित्य में कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ब्राह्मण साहित्य या फिर सभी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आगम जो सिद्धांत है वो किस साहित्य में कहा जाता है, जैन साहित्य में। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन कि जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र में मिलता है, कल्पसूत्र की रचना किसने किया हुआ था? आपके ऑप्शन है भद्रबाहु, अश्वघोष, राजशेखर या भवभूति। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का वर्णन किस में मिलता है? आपके ऑप्शन हैं आचरण सूत्र में, धर्म सूत्र में, संकल्प सूत्र में या भगवती सूत्र में। तो आचार संबंधी नियम मिलते हैं दोस्त, आपके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आचरण संबंधी सूत्र में। अगला क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है अर्थशास्त्र की रचना किसने किया हुआ था? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन और बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन हैं कौटिल्य, भद्रबाहु, चंद्रगुप्त, मेघस्थनीज। तो इन चारों में आपका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। कौटिल्य रचना करते हैं किसका, अर्थशास्त्र का। अगला क्वेश्चन है आपका मौर्यकालीन इतिहास एवं राजनीति के ज्ञान के लिए कौन सा ग्रंथ जो है प्रमुख स्रोत है? आपके ऑप्शन है कल्पसूत्र, अर्थशास्त्र, नीतिशार या राजतरंगिणी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या, अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है आपका मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है विशाखदत्त, चंद्रगुप्त, पाणिनी या फिर कालिदास। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट विशाखदत्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 424 नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है आपका मालविकाम्पित्र किसकी रचना है? आपके ऑप्शन हैं सूरदास की, विशाखदत्त की, तुलसीदास की, कालिदास की। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी कालिदास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने 25 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है निम्न में से में सुंगो के पुरोहित कौन थे? आपके ऑप्शन हैं पाणिनी, कात्यायन, पतंजलि या फिर गार्गी। तो इनमें से जो है सुंगों की पुरोहित कौन थी, तो वो थे पतंजलि महोदय। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का क्वेश्चन कि इतिहास का पिता किसको माना जाता है? आपके ऑप्शन से हेरोडोटस, टेसियस, डायनोसियस या फिर डाइमेकस। तो इतिहास का पिता, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है हेरोडोट्स को। अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर का क्वेश्चन, मेगस्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, यह किसका राजदूत था? आपके ऑप्शन है अंतियोक्स का, डाइमेकस का, शेलुकस निकेटर का या फिर डायनेसिस का। तो मेगस्थनीज किसका जो है दूत था, वो था राजदूत सेल्यूकस निकेटस का। 28 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या कह रहा है 28 नंबर का क्वेश्चन, देखो ध्यान से, इंडिका किसकी रचना है? इंडिका किसकी रचना है? आपके ऑप्शन है मेगस्थनीज का, टेसियस, हेरोडोटस, डायमेकस। तो इन चारों में आपको पता होगा राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे और बहुत सिंपल सा आंसर है इसका मेगस्थनीज। आई होप सभी लोग को शायद पता भी होगा। अगला क्वेश्चन है आपका मिस्र नरेश यमली फिलोडेल्पुस का राजदूत डायोनिसियस किस मौर्य सम्राट के दरबार में आया हुआ था? आपके ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, उदयन। तो इन चारों में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड बिंदुसार के दरबार में ये आया हुआ था। अगला क्वेश्चन है आपका 30 नंबर का क्वेश्चन कि सीरियन नरेश अतियोकस का राजित डायमेकस किस मौर्य सम्राट के दरबार में आया हुआ था? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन नंबर ए है आपका अशोक, बी है बिंदुसार, थर्ड है चंद्रगुप्त, फोर्थ है आपका कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या, बिंदुसार। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका इस क्वेश्चन के लिए, बिंदुसार। तो दोस्त वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो जो 30 नंबर क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर कर ले रहे हैं एंड 30 के आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आपका कवर करेंगे सेकंड वीडियो में। 30 नंबर 1 से लेकर के 61 नंबर क्वेश्चन तक आपका कवर करना है अगले वीडियो में। तो आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।